Hello students, I am continue with sexually transmitted diseases. In case of asymptomatic females, detection is not easy. कहता है अगर क्लियर कट सिम्टम नहीं है फीमेल में, जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है डिटेक्ट करना बीमारी को अर्ली स्टेज में. अब व्हाई इट हैपेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स. फर्स्ट रीजन, नोटिसेबल सिम्टम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं देगा, और दूसरा अगर पता चल भी गया तो सोशल स्टिग्मा है रिलेटेड टू एसटीडीज कि सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी, घर में बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे सोसाइटी में, तो हमारे आचरण पर आक्षेप होगा. तो इस तरह से सोशल स्टिग्मा जो है समाज में, तो जल्दी वो मरीज बताते नहीं है, कंसल्ट नहीं करते. ड्यू टू अबव रीजंस, अब इन दोनों कारणों से कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे आता है मरीज में. क्या हो सकता है वो कॉम्प्लिकेशन? फर्दर मोर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, अब इंफ्लेमेशन हो जाएगा पेल्विक रीजन में और उससे रिलेटेड डिजीज होंगे जिन्हें शॉर्ट में PID कहते हैं. अगर वो प्रेगनेंसी होती है तो उसका एबॉर्शन हो जाएगा, अनटाइमली एम्ब्रियो का फॉलोअप हो जाएगा. स्टील बर्थ, बच्चे मृत बच्चे जन्म लेंगे. एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, जहां पर इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहां ना होकर वो बाहर में हो जाए तो उस यूटरस के ऊपर में, तो उसे कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ये अपना जगह ही स्थान ही बदल जाता है. इनफर्टिलिटी आ सकती है और लास्ट में कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हो सकता है. तो ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे बाद में जब शुरू में डिटेक्शन नहीं होगा. अब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है इसके, एसटीडीज के? तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, जिसे आप नहीं जानते हैं उसके साथ सेक्स संबंध स्थापित न करें. यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिव और एक्टिविटी, तो आप क्वाइटस के पहले कंडोम को आप यूज करें तो ये डिजीज जो है स्प्रेड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे. यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेज एंड ब्लड बैग्स. अब ब्लड बैग्स RBC WBC प्लेटलेट्स रखने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रोसेस में ये सब यूज होते हैं. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह को बढ़िया से रखना चाहिए, ये डिसइंफेक्टेंट के द्वारा ये करके साफ सुथरा करके. डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज करने से भी यह बीमारी नहीं फैलेगी. इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट है किसी को कि मुझे ऐसी बीमारी तो नहीं है, तो जल्दी शीघ्र ही डिटेक्शन कराना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए और ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए. अदरवाइज जानलेवा साबित हो जाएंगी ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. तो ये हम आप देखें कि किस तरीके से कभी कभी सिम्टम भी नहीं आता है और रोग भी आ जाता है और उसमें इतनी सारी तरह के कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाते हैं. पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज, इंफ्लेमेटरी डिजीज होगा, एबॉर्शंस हो जाएंगे, स्टील बर्थ होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी है और ये कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो सकता है. इन सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है. प्रिवेंशन लिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन और मल्टीपल पार्टनर्स. यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट. यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड ब्लड बैग्स. इन केस ऑफ डाउट, प्रॉपर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट शुड बी डन. दिस इज ऑल अबाउट द STDs अंडर द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. थैंक यू.